18 जून 2024 दिन मंगलवार ज्येष्ठ निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को खिला दें ये एक दिव्य चीज, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भगवान श्री हर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन गौ माता को यह दिव्य चीज खिला देते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी दूर हो जाएगी, निर्धनता दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा निर्जला एकादशी के दिन करने से हमारी गरीबी दूर होती है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी के दिन 500 साल के बाद ऐसा दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप ये एक छोटी सी चीज गौ माता को खिला देते हैं तो इससे आपके जीवन की गरीबी तो दूर होगी ही होगी, मृत्युदंड पितृदोष भी तुरंत दूर हो जाएगा और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से मिलेंगे आपको सालों साल धन के भंडार। दोस्तों, इतना दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार यानी कि निर्जला एकादशी के दिन कि आपके जीवन से गरीबी निर्धनता तत्काल दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये एक चीज़ खिला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी और आपके घर से कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, 7 पीढ़ी रुपए पैसों पर मौज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। तो दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार वालों के फायदे के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लाभकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, अधूरे में बीच में स्किप करके मत जाना। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास चीज़ बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है। अगर आप ये खिला देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये एक चीज़ खिलाने से आपके घर से गरीबी कोसों दूर होगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में राजा मानी गई है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। जिसे खिलाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी ही होनी है, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज़ को गौ माता को निर्जला एकादशी के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन से कोई भी किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, संकट, कष्ट है, आपकी जो परेशानी है, गरीबी है, जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तो तत्काल वह गरीबी भी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचा चलाएगा और इतना धन आएगा कि 7 पुश्ते तक, 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ियों तक रुपये पैसों पर मौज करेंगे। इतना दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार से हम उपाय बताएंगे इस वीडियो में, आपको ये गाय के उपाय उसी प्रकार से करने हैं, उसी प्रकार से गाय को खिलाना है। ये एक दिव्य चीज, 100% 100% आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल बनेंगे, आपकी गरीबी जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, निर्धनता दूर चली जाएगी और परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो अपने परिवार के फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इसे छोड़ यानी कि थोड़ा देखकर छोड़े ना, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा और आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखेगा ताकि गौ माता की कृपा आपके ऊपर बरसे। दोस्तों, जब आप कमेंट में जय गौ माता लिखेंगे और जय माँ लक्ष्मी तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे पहले बरसेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। उससे पहले, गाय के उपाय बताने से पहले दोस्तों बता दें कि इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस बार की निर्जला एकादशी बहुत ही खास है। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इसे भीम
सेन जो पांडव में एक भाई भीम थे उन्होंने किया था। दोस्तों इस दिन बिल्कुल जल भी ग्रहण ना करें, कुछ भी ना खाएं पिएं, अन्न और फलाहार भी ना करें, सिर्फ निर्जला रहें, तभी इसका पूरे एकादशियों के बराबर इसका फल मिलता है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं रहते और निर्जला एकादशी रहते हैं तो पूरे साल की बराबरी करती है यह एक निर्जला एकादशी, और यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को यह एक चीज़ खिला दें तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कौन सी वह चीज़ है जिसे निर्जला एकादशी के दिन खिलाने से गाय को आपकी गरीबी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों गाय दिव्य प्राणी है, गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय की पूजा करना एकादशी के दिन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें इस दिन। सूर्य उदय से उठे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, सूर्य उदय से पहले नहा धोकर आप इस दिन पीले कपड़े पहने और फिर आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। हो सके तो इस दिन आप व्रत का यानी कि संकल्प लें अगर आप कर सकते हैं तो, और फिर आप गरीब निर्धन को इस दिन दान जरूर करें जो कुछ भी संभव हो। फिर आप आटा ले लें और आटे में थोड़ा सा आप यानी कि कच्चा दूध मिला लें, थोड़े से काले तिल इसमें डाल लें और फिर इसमें थोड़े से गुड़ आप यानी कि रख लें और फिर आप थोड़ी सी मिश्री भी इसमें डालकर और इसकी एक रोटी तैयार कर लें। रोटी तैयार करने के बाद इसे भगवान विष्णु जी के सामने आप रखकर इसमें थोड़ा सा घी लगा दें और घी लगाने के बाद फिर आप इस रोटी में थोड़े से आप यानी कि मिश्री रख दें, थोड़ी सी हल्दी रख दें और थोड़े से इसमें काले तिल रख दें। काले तिल ना मिले तो सफ़ेद वाला तिल भी चलेगा। रख कर फिर आप इसे ले जाकर गौ माता को खिला दें और 3 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोल दें। दोस्तों जो भी मनोकामना हो जरूर बोलिए, व्यापार नौकरी संतान सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। फिर आप दोस्तों वापस चले आइएगा। दोस्तों आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी करेंगी गौ माता, क्योंकि इनमें माता लक्ष्मी का निवास है जो धन की देवी हैं। दोस्तों इस दिन एकादशी के दिन एक मुट्ठी घास ले लें और एक रोटी ले लें और थोड़ा सा गुड़ थोड़े से काले तिल घी डालकर गौ माता को खिला दे तो सारी मनोकामना पूरी होती है। निर्जला एकादशी के दिन घर की जो पहली रोटी बने वो जरूर खिलाइएगा, इससे आपके जीवन की गरीबी निर्धनता दूर होगी और मनोकामना भी जरूर जल्दी पूरी होगी। दोस्तों जो भी इस दिन आपके घर में पक्का पकवान बना है, जैसे आप जो भी मीठे पकवान बने हैं पक्के पकवान, सारी चीज़ें जरूर गौ माता के लिए निकाल दें और गौ माता को खिला दें। द्वार पर आई गाय को इस दिन भगाइए मत, उसे जरूर कुछ ना कुछ खिलाइए, जो भी आपके पास बन पड़े जरूर खिलाइए, इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, गौ माता की कृपा बरसेगी और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होंगे। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को आप काले तिल घी और गुड़ से बने लड्डू का भी सेवन जरूर करा दें, इससे भी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो ये एक छोटा सा उपाय था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।